बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना, जितनी निंदा की जाए कम है। मैं तो आया था पीड़ित परिवार से मिलने, और मैंने कहा कि मैं यहाँ नेतागिरी करने नहीं आया हूँ, एक परिवार की तरह आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है या भविष्य में लगे कि कोई समस्या है तो आप बेधड़क कहेंगे, निसंकोच हमसे जो भी बन पड़ेगा, प्रशासन से, सरकार से, स्वयं से भी हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। इससे पहले भी समीर कुमार की हत्या हुई थी, अब आज तो शाही की हत्या हुई है, किस रूप में देखते हैं? मुजफ्फरपुर में लगातार घटनाएं हो रही हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर इस मामले में अभिशप्त है। आप सभी जानते हैं कि हर 6 महीने, साल नहीं बीतता है, एक बड़ी घटना के लिए, घटना के कारण मुजफ्फरपुर बदनाम होता है। कोई ना कोई बड़ा हादसा होता रहता है, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी स्थिति नहीं है। पूर्व में सुरक्षा को लेकर उन्होंने गुहार भी लगाई सुरक्षा भी हटा दी, गुहार भी उन्होंने लगाई थी, सुरक्षा शायद मिली होती तो ये घटना ना होती। देखिए, वो भी सही है, हमने पूछा, एक प्लांड वे में सब हुआ है, जैसा जैसी जानकारी मिली कि 9 बजे रात जब कि स्विच ऑफ करके लोग ये चले जाते थे सोने के लिए, तब एक बिल्कुल प्लांड वे में कि एक व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, किस कमरे में है, कैंपस में गेट है, बाहर में गेट है, अंदर जिस कमरे में बैठा हुआ वहाँ गेट है, बावजूद इसके एक हादसा को अंजाम देना बड़ा प्लान था। बीजेपी कह रही है कि सत्ता संरक्षित। अब देखिए, बीजेपी और जेडीयू और आरजेडी करने में नहीं आया, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं एक परिवार के नाते आया, और इन लोगों को सुख दुख में जो भी संभव होगा मैं अपने तय खड़ा रहूँगा। एक विशेष को क्या टारगेट किया जा रहा है, विशेष समाज के लोगों को? इस तरीके से कुछ लोगों ने कहा है कि विशेष समाज को टारगेट किया जा रहा है। अब जो लोग कहे हैं ये सब बातें, उनसे पूछिए, जुल्म जुल्म है, अन्याय अन्याय है, किसी के साथ हो रहा है। अब मेरा बिहार बदल रहा है, और अब मुजफ्फरपुर में महानगर जैसा सर्विस और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट्स 60 मिनट में मुफ्त होम डिलीवरी पाएं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।